हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, टुडेज टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे, इसकी डेफिनेशन डालते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम इस डेफिनेशन को सबसे पहले समझते हैं। वो प्रोसेस जिससे हम फूड का, कोई भी ऑर्गेनिज्म है फूड का इंटेक करता है और उसको यूटिलाइज करता है, मीन्स इसका उपयोग करता है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन एनिमल्स में होता है, ह्यूमन में होता है, प्लांट्स में होता है, हम सभी के अंदर न्यूट्रिशन होता है। हम जानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सारे लिविंग थिंग्स को कोई भी वर्क करने के लिए, अपनी बॉडी की जो नीड है उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो एनर्जी की नीड है वो हमारी फूड से पूरी होती है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ये है कि वो प्रोसेस है न्यूट्रिशन जिसमें फूड का इंटेक होता है और इसका यूटिलाइजेशन होता है किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन तो हमें समझ में आ गया कि जो भी हम फूड, कोई भी ऑर्गेनिज्म है फूड का इंटेक करेगा और उसका यूटिलाइजेशन होगा बॉडी में, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब हम जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हम सभी जानते हैं, वी नो अबाउट दैट कि जो भी हमें वर्क करना है, हमें कुछ भी, जो भी लिविंग प्रोसेस करने हैं, जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी लिविंग बॉडी हो, तो उसके लिए लाइफ प्रोसेसेस होते हैं कुछ। तो जो हमारी वो जो हमें डिफर करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में, जो चीजें, जो प्रोसेस डिफरेंस पैदा करते हैं वो क्या क्या है। हम जानते हैं कि लिविंग में, लिविंग थिंग्स होती है एक्सक्रीट करती है, ब्रीदिंग करती है, डाइजेशन करती है, मूवमेंट करती है, ग्रोथ करती है। तो ये सारे फंक्शन को करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है, जिससे एनर्जी बनती है, जिससे हम सारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं कर पाते हैं। तो उसके बाद फूड में न्यूट्रिशन होता है जिसके थ्रू जिसका यूटिलाइजेशन होता है और उसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अब हम जानेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं। तो जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे पास फाइव टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये फाइव जो है हमारे पास, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये फूड में होते हैं, ये ऐसे कंपोनेंट है फूड के जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, जो कि हमें फूड से मिल जाता है। और इसमें अलग अलग इसके सोर्स होते हैं, ये हम लोग अपने नेक्स्ट आगे चैप्टर में दिया हुआ है, इसको हम लोग ना पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी हम लोग जान लेते हैं कि फूड में मौजूद होते हैं। जैसे कि विटामिन के कई टाइप्स होते हैं, ए बी सी डी ई। मिनरल्स होते हैं बहुत सब टाइप के, जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, ये सब मिनरल्स होते हैं। प्रोटीन होता है, सब सारे जितने न्यूट्रिएंट्स हैं सबके अलग अलग सोर्स होते हैं, लेकिन ये सब मैक्सिमम हमें फूड से ही मिलता है। हम जानते हैं कि हमें न्यूट्रिशन की नीड क्यों होती है, हमें ग्रो करने के लिए, किसी भी डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए, एनर्जी के लिए, जो हमने अभी बताया कि जितने लाइफ प्रोसेस हैं उनको करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उस सब के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो जो न्यूट्रिशन होता है वो टू टाइप्स का होता है, या तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा या फिर वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा। जो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक चीजों से, नॉन लिविंग सब्सटेंस से वो अपना खुद फूड खुद बनाते हैं। ये बस अभी ऐसे मत समझ लीजिएगा कि ऑटोट्रॉपिक अपना फूड खुद बनाते हैं तो हम कह रहे हैं कि मम्मी हमारी वो अपना फूड खुद बनाती, नहीं, सिंपल लिविंग थिंग से। और हेटरोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, लिविंग थिंग्स पे डिपेंड होते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक, अब हम सोचेंगे कि ऑटोट्रॉपिक कौन से वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं नॉन लिविंग थिंग से, तो वो होते हैं प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं सिंपल नॉन लिविंग थिंग से।
अब वो नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमें एयर से मिलता है, सनलाइट, वाटर, ये सब की प्रेजेंस में प्लांट जो होते हैं लीव्स में उनका एक ग्रीन सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल, जिसमें वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग प्लांट को एयर में रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं और उसमें वॉटरिंग भी करते हैं, क्योंकि वो अपना फूड जो है वो सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक की कैटेगरी में आते हैं प्लांट्स, और हेटरोट्रॉफिक की कैटेगरी में सारे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। जो हमारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, मीन्स प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर्स। इसमें आते हैं प्लांट, और प्लांट अगर कोई अब हमसे पूछता है कि ऑटोट्रॉपिक क्या है, हेटरोट्रॉपिक क्या है, या कोई हमसे पूछता है व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो हम बता देंगे व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, तो हम बता सकते हैं, और न्यूट्रिशन के टाइप्स हमने पढ़ लिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मीन्स ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। इफ समवन आस्क्स व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक, वी विल से दोज ऑर्गेनिज्म हु प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑटोट्रॉपिक, एंड those who are dependent on another living organism for their food are heterotrophic. अब इसमें आता है प्लांट। प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करता है, तो उसका एक प्रोसेस होता है, क्रिया होती है, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। अभी जैसा कि हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, बता चुके हैं, वो प्रोसेस जिसमें सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमें एयर से मिलता है, और वाटर की प्रेजेंस में क्लोरोफिल नाम के सब्सटेंस जो कि लीव में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है, उससे प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फोटोसिंथेसिस को डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट इसमें रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।